लुट दी नीयत दे नाल घर दे विच वड़ के मां पुत दा कतल कर दिता गया। तां दस दिए कि बेरहमी दे नाल तेज तार हथियारां नाल कई वार दोवां दे उत्ते कीते गए ने, जिस दे कारण दोवें ही दम तोड़ गए ने। हालांकि जिस समय एक घटना वापरी तां उस समय इस घर दी जो धी सी ओह अपनी मां दे लई जूस लैण दे लई गई हुई सी, पर जिवें ही घर दे विच उसने वापस आके देखिया तां घर दे विच सारा समान खिलरिया होया सी अते दोवां दीआं लाशां जमीन ते पईआं सी। जिस तों बाद उसने पुलिस नूं सूचना दित्ती अते पुलिस जदों मौके दे उत्ते पहुंची तां आले दुआले लगे सीसीटीवी फुटेज नूं चैक कीता गया। हालांकि घर दे विच सीसीटीवी भी लगी हुई सी, पर कहा जा रहा है कि अज सवेरे ही वह सीसीटीवी अचानक बंद हो गई सी, जिस तो कुछ घंटिया बाद ही यह वारदात हो गई। हालांकि आले दुआले जो गली दे विच सीसीटीवी लगे हुए ने उन्हां तो हुण पुलिस जांच कर रही है। उन्हां दे विच एक शख्स नूं घर दे अंदर जांदे देखा गया। हालांकि कुछ मिनटा बाद ही जदों शख्स घर दे विचों वापस बाहर आउंदा तां उसके हथ दे विच एक झोला फड़िया हुआ हुंदा, जिस तो शक जाहिर किया जा रहा है कि उस शख्स ने कतल किया हो सकता है, पर यह जांच का विषय है। पर दूजे पासे हुण पुलिस होर भी जांच करती नजर आ रही है। तो दस दिए कि मामला यमुनानगर तो सामने आया, जिथे कि एक मां पुत का कतल दिन दिहाड़े कर दिता गया। लुट की नीयत के नाल घर के एक शख्स दाखिल होंदा अते करीब 7 मिनट के ही इस वारदात को कहा जा रहा है कि अंजाम दिता गया है। तो यमुनानगर की पुलिस हुण लगातार इस मामले की जांच कर रही है। CIA की टीम अते फोरेंसिक टीम मौके के उत्ते पहुंचिया ने ते जांच की जा रही है कि आखिर इस कतल के पिछे हथ किसदा है अते की किसी ने पहला कोई सूह दित्ती सी, क्योंकि अज ही कुछ देर पहला घर के जो कैमरे से वो अचानक बंद हो गए सी। कि पुलिस के पास हमारी जो एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है ERV के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक चोरी हुई है और दो डेड बॉडीज पड़ी हैं। तो उस सूचना के आधार पर हमारी रामपुरा चौकी इंचार्ज की टीम और CIA की टीम्स मौके पर पहुँची हैं, और यहाँ पर आकर हमने अभी यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम टीम को और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया है और सभी पहलुओं से यहाँ पे अभी जांच की गई है। तो उसी प्रकार से यह जो मामला बताया गया था, दो डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, ये प्राइमा फेसी देखने में ये हत्या यानी कि मर्डर यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो मृतक है वह राहुल नाम का लड़का है और उसकी जो मदर है मीना, तो ये जो मदर और माँ बेटे हैं इन दोनों की यहाँ पर मर्डर हुआ है। और अभी जहाँ तक करने की बात है उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है, परंतु जो हमारी कंप्लेनेंट है उसकी भी जो है भूमिका वो अभी संदेहजनक प्रतीत हो रही है। बाकी पुलिस यहाँ पर और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर जो चोरी की यहाँ पे बात कही गई थी वह भी बात संदेहजनक यहाँ पर लग रही है। तो उसी प्रकार से अभी यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे इम्पॉर्टेंट एविडेंसेज हैं वो एकत्रित कर लिए गए हैं और हमारी CIA की टीमें CIA 2 टीम और हमारी बाकी सभी टीम्स इसमें लगी हुई हैं। और इसमें अभी आज दोनों डेड बॉडीज़ को रिकवर किया जाएगा और कल इसका पोस्टमार्टम बनाएगा। हत्या के मैं वही कह रहा था आपको कि यहाँ पे जो अभी देखने में प्राइमा फेसी लग रहा है कि यहाँ पर हत्या के किस तरीके से की गई है वह एग्जैक्टली पोस्टमार्टम के बाद और डॉक्टर की रिपोर्ट्स के बाद क्लियर हो पाएगा। जी कैमराज कुछ हमने यहाँ पे CCTV फुटेजेस रिकवर करे हैं, उनका भी अध्ययन किया जाएगा और जो करस्पॉन्डिंग बाकी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे। एग्जैक्ट टाइम तो डॉक्टर्स इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे पोस्टमार्टम के उपरांत, परंतु यह देखने पर ऐसा प्रतीत होता है और जो डॉक्टर्स ने हमें यहाँ पे बताया है अभी कि विद इन 7 से 8 घंटे के बीच में अब तक। उसके बाद मौके से ही हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंसेज हमें मिल गए हैं और जो भी हमारी यहाँ पे एक्सपर्ट टीम्स हैं CIA की टीम्स हैं थाने की टीम्स हैं और यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पे निरीक्षण किया है हमें इतने क्रूशियल एविडेंसेज मिले हैं ताकि हम इसको नियरली जल्द ही इसको कल तक ही हम इसको बिल्कुल क्लियरली क्रैक कर लेंगे।